हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू क्षितिज एकेडमी चैनल। और कल के क्लास में मैं आपको पढ़ाया था आइसोमेरिज्म के बारे में। और आइसोमेरिज्म में हम लोग वहाँ पे एक टॉपिक देखे थे और बेसिकली बेसिक बेसिक बात बताया गया था आपको आइसोमेरिज्म के टॉपिक में। ओके, तो आई थिंक आप लोग वो वीडियो देख के आए होंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो को देख लें, क्योंकि आज के क्लास में स्टार्ट होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का सबसे पहला पॉइंट डेट इज चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन समझो। कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन, पेरेंट चेन और साइड चेन, सो चेन आइसोमेरिज्म। यस, यानी कि जो भी हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म होगा, हम लोग जब कैसे देखेंगे कि सपोज डैट, क्या अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो उसमें पेरेंट चेन में जितने भी कार्बन हो और साइड चेन में जितने भी कार्बन हो, सबका एक लिंकेज होता है, उस लिंकेज को हम लोग को देखना है। ठीक है, बेसिकली फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मेरे पास मान लो C4H10 है, ठीक है, तो याद करना पिछले क्लास में बताए थे C4H10 में कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, दो स्ट्रक्चर बनते हैं। C4H10 यानी कि ब्यूटेन का कितना स्ट्रक्चर बनता है, दो स्ट्रक्चर बनता है। एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन, जब हम लोग चार कार्बन को कहाँ लगा देंगे, स्ट्रेट चेन में लगा देंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। और एक बताया था आपको आइसो ब्यूटेन, इसमें क्या करना है, N-1 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगाना है और एक कार्बन को सिंगल ब्रांचिंग कर देना है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटेन। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, चार कार्बन है, ये हमारे पास पेरेंट चेन है और यहाँ पे कितने कार्बन है, चार कार्बन है। बट अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, यहाँ पे पेरेंट चेन में तीन कार्बन है और एक कार्बन कहाँ है आपका, ब्रांचिंग में। तो इसके लिए एक नंबर दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप ध्यान से सुनना। इसके लिए एक नंबर दिया जाता है, एस्केलेटन नंबर, है ना, इसके लिए हम लोग एक नंबर देते हैं, डेट इज कॉल्ड एस्केलेटन नंबर, ठीक है। एस्केलेटन नंबर से आपको पता चलता है कि अगर एस्केलेटन नंबर डिफरेंट होगा, डेट इज वो चेन आइसोमर होंगे। अगर एस्केलेटन नंबर सेम होगा तो वो क्या हो जाएंगे, पोजीशन होंगे, अभी आगे चल के बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर होता है एस्केलेटन नंबर, एस्केलेटन, ठीक है, एस्केलेटन नंबर। वन सेकेंड, एस्केलेटन नंबर, ठीक है। एस्केलेटन नंबर बेसिकली ए और बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो ए होता है ये बेसिकली आपको पेरेंट चेन के कार्बन के बारे में बताना है, पेरेंट चेन के, और बी जो होता है ये आपके ब्रांचिंग के, ठीक है, ये किसके कार्बन के बारे में बताना है, ब्रांचिंग के। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एन ब्यूटेन है, तो एन ब्यूटेन में कितने कार्बन है, चार कार्बन है, तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, चार, और ब्रांचिंग है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो यहाँ पे कितने कार्बन हो जाएगा, जीरो। तो एस्केलेटन नंबर कितना कहलाएगा, 40। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, थ्री, और ब्रांचिंग में कितने हैं, वन, तो क्या आ जाएगा इसका, 31 एस्केलेटन नंबर। तो जब भी चेन आइसोमर होता है तो एस्केलेटर नंबर क्या हो जाता है, डिफरेंट, एस्केलेटर नंबर शुड बी डिफरेंट। ये पॉइंट आप लोग लिख लें, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग लिख लें, फोर चेन आइसोमर, फोर चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, एस्केलेटन, एस्केलेटर नंबर शुड बी डिफरेंट, एस्केलेटर नंबर शुड बी डिफरेंट, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो जब भी चेन आइसोमेरिज्म आपको चेक करना हो तो ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एस्केलेटर नंबर क्या होना चाहिए, हमेशा अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास पेंटेन है, पेंटेन है हमारे पास, ठीक है, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12। तो कल मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था कि इसके कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, इसके थ्री स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, थ्री स्ट्रक्चर बनते हैं। तो अगर आपको बनाना हो तो सबसे पहले क्या बनाओगे, नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन के लिए क्या करना पड़ता है, जितने भी कार्बन हैं सभी को क्या कर दो, स्ट्रेट चेन में लगा दो, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल पेंटेन। दूसरा हम लोग क्या बनाते हैं, आइसो पेंटेन। तो आइसो बनाने का क्या कॉन्सेप्ट था, कि अगर आपके पास एन नंबर ऑफ कार्बन है तो N-1 को स्ट्रेट में लगाओ, यानी कि फोर कार्बन को कहाँ लगाइए, स्ट्रेट में, एक कार्बन बच गया, इसको सेकेंड लास्ट कार्बन पे क्या करना है, सिंगल ब्रांचिंग करना है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, आइसो
पेंटेन, क्या बोलेंगे इसको, आइसोपेंटेन, ठीक है। और तीसरा क्या बताए थे, नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन के लिए क्या करना पड़ेगा, एन माइनस टू को स्ट्रेट चेन में लगाना है, यानी कि 5 माइनस 2 तो कितना आएगा, 3। तो 3 को आप लगा दो स्ट्रेट चेन में, 2 कार्बन बच गया, इसको सेकेंड लास्ट कार्बन पे क्या कर दो, डबल ब्रांचिंग कर दो। अब हमको रिलेशन बताना है कि ये मान लो ए है, 1 है, और ये 2 है, और ये 3 है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 में क्या रिलेशन है, 1, 2 और 3 में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्केलेटन नंबर निकाल लो, तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है बताइए, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5। तो यहाँ पे 5 आएगा पेरेंट चेन के लिए, और ब्रांचिंग में कितने हैं, एक भी नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। तो स्केलेटन नंबर कितना होगा, 50, क्लियर है। यहाँ पे देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, और ब्रांचिंग में कितने हैं, 1। तो यहाँ पे स्केलेटन नंबर कितना लिखेंगे, 41, कितना लिखेंगे, 41। यहाँ पे पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3, और ब्रांचिंग में कितने हैं, 2। तो इसके लिए स्केलेटन नंबर कितना आएगा, 32। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बोलो। तो ये स्केलेटन नंबर क्या है, सबका अलग अलग, ए का 50 स्केलेटन नंबर, बी का 41, और सी का 32। तो जब भी स्केलेटन नंबर डिफरेंट रहेगा, डेट इज 1, 2 एंड 3 आपस में क्या है, आपस में सर सी आई है, आपस में क्या है, सी आई है। समझ में आया, आपस में सी आई आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है किसके लिए, ये कॉन्सेप्ट होता है आपका चेन आइसोमेरिज्म के लिए। ओके बोलिए, क्लियर है, तो आपको बस ध्यान में रखना ये छोटा छोटा बात सर। नेक्स्ट हम लोग चलिए बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म पे, ठीक है। नेक्स्ट किस पे बात करते हैं, पोजीशन, पी आई पे। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, डेफिनेशन लिख लो, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम पेरेंट कार्बन, यस इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, सेम पेरेंट कार्बन चेन बट डिफर इन पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्सटीट्यूएंट्स, सोज पोजिशन आइसोमेरिज्म। यानी कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, और उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे, सेम अनसेचुरेशन होगा, बट उसका पोजिशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। कार्बन कार्बन का लिंकेज भी सेम होगा, ठीक है, बट वहां पे पोजिशन आपको चेक करना है, पोजिशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ओके, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, ब्यूटीन, 1 ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। तो देखो ब्यूटीन का क्या होता है फॉर्मूला, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है। इसका IUPAC नेम होता है ब्यूट 1 इन, ठीक है, क्योंकि जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा वहीं से हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो इसको 1 देंगे, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन, ठीक है। अगर आप चाहें तो डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, तो अगर करोगे तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। इसका अगर IUPAC नेम देखो तो क्या आ जाएगा, ब्यूट, अब की बार 1 2 3 4, सेकेंड नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूट 2 इन, क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन का दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में सेम अनसेचुरेशन है, यहाँ भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, बट दोनों का पोजीशन क्या हो गया, अब की बार डिफरेंट हो गया। यहाँ पे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ पे 2 और 3 के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इस टाइप के आइसोमर को हम लोग क्या बोलते हैं, PI, क्या बोलते हैं, PI, पोजीशन आइसोमर। और एक चीज और यहाँ पे स्टार बना के लिख लो फिर से, फोर पोजीशन आइसोमेरिज्म एस्केलेटर नंबर शुड बी सेम, यस एस्केलेटन नंबर शुड बी, ठीक है, जब भी पोजीशन आइसोमेरिज्म आपको चेक करना हो तो वहां पे चेक करना एस्केलेटर नंबर सेम है कि नहीं, पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए एस्केलेटर नंबर सेम होता है। और ध्यान से देखो चेन आइसोमेरिज्म के लिए एस्केलेटर नंबर क्या होता है, डिफरेंट, डिफरेंट होता है, ये बात आप ध्यान में रखिए, चेन के लिए स्केलेटन नंबर डिफरेंट होगा और पोजीशन के लिए क्या होगा, एक जैसा होगा, है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये है, यहाँ पे एक ब्रांचिंग, यहाँ पे भी एक ब्रांचिंग, ये मेरे पास कंपाउंड ए है और दूसरा मेरे पास कंपाउंड है, ठीक है, ये मेरे पास बी कंपाउंड है, ठीक है, ए एंड बी मेरे पास दो कंपाउंड है, आपको बताना है दोनों में रिलेशन क्या है। तो ध्यान से देखो इसको, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, और देखिए यहाँ पे मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, यहाँ पे मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, और यहाँ पे भी मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, यानी कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 4, ठीक है। तो अगर पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 4, और ब्रांचिंग कितना है यहाँ पे, 2, तो ब्रांचिंग के लिए क्या लिखेंगे, 2,
तो इसके लिए स्केलेटन नंबर कितना आएगा, 42। कितना आएगा, 42। यहाँ पे मेन चेन में कितने कार्बन है, चार, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 स्केलेटन नंबर। और ब्रांचिंग कितने हैं, दो, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, 42। समझ में आया। अब दोनों को देखो, ए एंड बी दोनों को देखो, इसके लिए भी 42 और इसके लिए भी कितना आ गया, 42 आ गया। तो जब भी एस्केलेटर नंबर सेम होगा, यानी कि आपस में चेन नहीं होंगे, ये क्या होंगे, पोजीशन होंगे। ए एंड बी आपस में क्या है, ए एंड बी आपस में क्या है, पी आई है, पी आई। तो देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 2 और 3 पे ब्रांचिंग है, तो इसका IUPAC नेम होगा 2, 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और इसका IUPAC नेम देखो, इसको 1 देंगे, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2, 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोनों का क्या पोजीशन यहाँ पे डिफरेंट, तो ए और बी आपस में क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर। क्लियर। चलो एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, ठीक है। एक ये हमारे पास ए कंपाउंड है और ये हमारे पास बी कंपाउंड है, ठीक है। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, बताइए दोनों में रिलेशन क्या है, जल्दी से सोचो, कमेंट करो, ए और बी में रिलेशन क्या है, देखो ध्यान से, सोच लिए, ए एंड बी सोच लिए, चलो देखो। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, ये स्केलेटन नंबर जो हम लोग देखते हैं ना, ध्यान से समझना, ये जो हम लोग स्केलेटन नंबर देख रहे हैं बार बार यहाँ पे, ठीक है, स्केलेटन नंबर, ये स्केलेटन नंबर का मतलब होता है कार्बन कार्बन का लिंकेज, ठीक है। कार्बन कार्बन के लिंकेज में ही आप क्या करेंगे, स्केलेटन नंबर देखेंगे, ठीक है। कार्बन का कार्बन के साथ ही देखेंगे, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे कार्बन का कार्बन के साथ नहीं था, तो यहाँ पे मेन चेन में कितने कार्बन थे, 5, और ब्रांचिंग कोई भी नहीं था, तो 0 आ गया। और यहाँ पे मेन चेन में कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, और ब्रांचिंग में 1 है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मेन चेन में कितने हैं, 4, और ब्रांचिंग कार्बन के साथ ही है, ब्रांचिंग किसके साथ है, कार्बन के साथ ही, इसलिए यहाँ पे 1 डाले, 41। तो जब भी स्केलेटन नंबर देखना हो तो हमेशा किसके साथ देखते हैं, कार्बन कार्बन के साथ ही देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है। तो इसके लिए स्केलेटन नंबर कितना आएगा, 30। यहाँ पे पेरेंट चेन में कितने कार्बन, ये है पेरेंट चेन, ठीक है, कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ये है। यहाँ पे भी कितने कार्बन, 3, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो 0। क्या दोनों का स्केलेटन नंबर सेम आ गया, तो ए और बी आपस में क्या होंगे, पी आई, ठीक है। अगर आप नंबरिंग करें तो ये 1, ये 2 और ये 3, इसका नाम क्या आएगा, प्रोपेनॉल, ठीक है। और इसका अगर नंबरिंग करोगे तो 1, 2, 3, इसका आएगा प्रोपेन टू ओल। तो यहाँ पे देखो, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो गया, यहाँ पे पहले नंबर कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पे दूसरे नंबर कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। तो डेफिनेशन सेम है, डेफिनेशन बस आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर डेफिनेशन याद रहेगा तभी आप कर पाएंगे। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है, बट डिफर इन पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड और सब्सटीट्यूएंट सोर्स पोजिशन आइसोमेरिज्म, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे यहाँ देखो, 1, एक सेकेंड, यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 1 नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 2 नंबर पे क्या लगा, OH ग्रुप लगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, पी आई, ये दोनों आपस में क्या है, पी आई। इसमें देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ 1 सेकेंड, इसको 1, इसको 2 मिलेगा, और यहाँ पे एक ही पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, और इसका नाम क्या है, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो। तो देखो पोजीशन क्या हो गया, डिफरेंट आ गया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पी आई बोलेंगे। क्लियर है, तो पी आई एंड सी आई क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिंग चेन आइसोमर, RCI। तो RCI कैसे चेक करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ध्यान से समझो, ठीक है। RCI हम लोग किसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन समझिए, रिंग चेन आइसोमर, डेफिनेशन है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकेज, डिफरेंट मोड ऑफ लिंकेज।
इन ओपन चेन एंड क्लोज चेन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। ओपन चेन और क्लोज चेन जो भी होगा कार्बन एटम का, उसमें मोड ऑफ लिंकेज आपको चेक करना है। अगर अलग अलग आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, आर सी आई, रिंग चेन आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, C3H6, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपीन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपीन। तो देखो प्रोपीन में यहाँ पे कितने कार्बन है, तीन कार्बन और एक 6 हाइड्रोजन, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं एक, ठीक है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ठीक है, ये प्रोपीन हो गया। अब इसका एक रिंग भी बना सकते हैं आप, तीन कार्बन में रिंग बन सकता है, ये देखो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी क्या है कार्बन है, और यहाँ भी क्या है कार्बन, तो कार्बन का एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 है, इसका भी है, लेकिन एक क्या है आपका नॉर्मल चेन है, डेट इज एलिफेटिक बोलते हैं इसको, है ना, एलिफेटिक स्ट्रक्चर, जो नॉर्मली आपका कार्बन कार्बन का जो लिंकेज होता है उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मली आप एलिफेटिक बोल सकते हैं, और ये क्या हो गया, रिंग फॉर्म। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, बट स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, एक आपका नॉर्मल चेन है और एक आपका रिंग फॉर्म है, तो ये दोनों को आपस में क्या बोलेंगे, RCI बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर, आपस में क्या बोलेंगे, RCI बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना क्या, कि देखो जो आपके पास एल्कीन का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, सेम फॉर्मूला होता है साइक्लो अल्केन का। सेम फॉर्मूला किसका होता है, साइक्लो अल्केन का। जैसे अभी हम लोग देखें यहाँ पे कितना था, C3H6, तो ये हमारे पास एल्कीन है, ठीक है, और साइक्लो अल्केन जो था इसके लिए क्या बनना था, ये देखो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो अल्केन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। तो जो फॉर्मूला अल्कीन का होता है वही किसका होता है, साइक्लो अल्केन का होता है, और जो फॉर्मूला अल्काइन का होता है, जो जनरल फॉर्मूला अल्काइन का होता है, डेट इज CnH2n-2, और इसका क्या होता है, CnH2n, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, और अल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वही होता है आपका साइक्लो एल्कीन का, वो किसका होता है, साइक्लो एल्कीन का। जैसे अल्काइन लेते हैं, ठीक है, एक समझाने के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे 3 डाल दो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H3 2 6 4, ठीक है, आप इस तरह से लगा सकते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये देखो, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्रोपाइन, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइन बोलेंगे, ठीक है। और यही सेम फॉर्मूला साइक्लो एल्कीन का भी होता है, यानी कि अगर आप तीन इस तरह से बना रहे हैं ना, और कहीं एक जगह क्या लगा, तो डबल वन, यही हो, क्या हो गया हमारे पास, साइक्लो प्रोपीन, 1 2 3 कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ। तो देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, बट दोनों का स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट, तो इसको क्या बोल देंगे, RCI, रिंग चेन आइसोमर, क्या बोल देंगे, RCA। समझ में आया, बोलो, रिंग चेन आइसोमर। तो बेसिकली तीन टॉपिक हम लोग कवर किए, चेन आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं पहला, है ना, इसका एग्जांपल याद रखना, जब भी चेन आइसोमेरिज्म देखना हो तो एस्केलेटर नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट। दूसरा हम लोग देखें यहाँ पे पोजिशन आइसोमेरिज्म, पोजिशन में पोजिशन चेंज होगा, और जब भी पोजिशन आइसोमेरिज्म देखेंगे तो यहाँ पे एस्केलेटर नंबर सेम होना चाहिए। तीसरा हम लोग RCI देखे। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है गोल्डन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को समझिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्या लिखा है, अल्कीन विथ साइक्लो अल्केन एंड अल्काइन एंड अल्किलाइडीन विथ साइक्लो अल्कीन्स आर सो चेन आइसोमेरिज्म। बता दिया आपको, है ना, कि जो अल्कीन है वो उसका जनरल फॉर्मूला किसके जैसा मिलेगा, साइक्लो अल्कीन के जैसा, और जो अल्काइन है उसका जनरल फॉर्मूला किसके जैसा मिलेगा, साइक्लो अल्कीन के जैसा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है, रिंग चेन आइसोमर आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर बट प्रायोरिटी मस्ट टू बी गिवेन टू रिंग चेन आइसोमर। यस, तो एक चीज ध्यान में रखना, कि अगर तुमसे कोई पूछे कि ये है ना, इस तरह से ये और ये आपस में क्या है, ए एंड बी, ये आपसे पूछे कि ए एंड बी आपस में क्या है, पहला ऑप्शन दे दे चेन आइसोमर, दूसरा दे दे रिंग चेन आइसोमर, तीसरा दे दे पोजीशन आइसोमर, और चौथा दे दे फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। तो देखो इसका, ये नॉर्मली आपका एलिफेटिक रिंग है,
एलिफेटिक चेन है और ये आपका रिंग फॉर्म है। तो ये दोनों आपस में अभी जस्ट हम आपको बताएं ये आपस में क्या होते हैं, आरसीआई। तो आरसीआई को हम लोग फंक्शनल आइसोमर भी बोल सकते हैं, आरसीआई को हम लोग फंक्शनल आइसोमर भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपका साइक्लो अल्केन है, ये आपका क्या है, साइक्लो एल्केन है, ठीक है। और यहाँ पे ये एल्कीन है, ये एल्कीन है यानी कि डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन आ गया, तो इसलिए हम लोग इसको फंक्शनल आइसोमर भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में, ऑप्शन में आरसीआई भी हो और फंक्शनल भी हो तो देखो प्रायोरिटी किसको देना है। रिंग चेन आइसोमर आर ऑल्सो फंक्शनल आइसोमर बट प्रायोरिटी मस्ट बी गिवेन टू आरसीआई। प्रायोरिटी किसको देंगे, आरसीआई, रिंग चेन आइसोमर को देंगे। तो अगर दोनों ऑप्शन में, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, अगर आरसीआई भी है फंक्शनल भी है तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, आरसीआई को देंगे, ठीक है। प्रायोरिटी किसको देंगे, आरसीआई को देंगे, फंक्शनल को नहीं देंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना कि अगर मान लो आरसीआई नहीं होता, आरसीआई नहीं होता, ठीक है, रिंग चेन आइसोमर नहीं होता, तब हम लोग आंसर किसको देते, फंक्शनल को देते। समझ में आया, तब आंसर किसको देते, फंक्शनल को देते। तो ये एक बात है कि प्रायोरिटी आपको किसको देना है, आरसीआई को देना है, ठीक है। फंक्शनल होता है बट आंसर में हम लोग आरसीआई करेंगे, अगर ऑप्शन में आरसीआई नहीं होगा तो किसको देंगे, फंक्शनल को देंगे, किसको देंगे, फंक्शनल को देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फाइंड द टोटल पॉसिबल, फाइंड द टोटल पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन, ठीक है। फाइंड द टोटल पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन, ठीक है, बना के लाना, कोशिश करना। पेंटेन का फॉर्मूला था C5H12, तो इसका टोटल बनाना है। कैसे बनाना है, देखो सारा बनाना है ना, आपका रिंग फॉर्म बनेगा तो रिंग भी बनाएंगे। तो देखो ध्यान से, पेंटीन कर लो इसको, सॉरी इसको पेंटीन कर लो, इसको ठीक है, इसको पेंटीन कर लो, पेंटीन यानी कि C5H10। तो देखो कैसे बनाएंगे, पेंटीन है तो एक दो तीन चार पाँच डबल बॉन्ड लगा दिए, तो ये पहला स्ट्रक्चर बन गया। दूसरा क्या बना सकते हैं, डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर लो, यहाँ पे कर दिए, इसका नाम हो गया पेंट वन इन, इसका नाम हो गया पेंट टू इन। अब शिफ्ट कर सकते हैं क्या, नहीं, तो चार कार्बन पे आ जाओ, ठीक है, चार कार्बन पे आ जाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, समझ रहे हो ना, 3 4 और बना सकते हैं, डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, बस देखना है कि स्ट्रक्चर रिपीट ना करें, ठीक है, स्ट्रक्चर रिपीट नहीं करना चाहिए। ये देखो अब दोनों का आईयूपीएसी नेम अलग अलग है, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका नाम है 1 2 3 4 टू मिथाइल ब्यूट वन इन, और इसका नाम क्या है, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, समझ रहे ना। तो इस तरह से आपको टोटल पॉसिबल बना के बनाना है, टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, किसका, पेंटिंग का। तो ये आज के क्लास में हम लोग 3 टॉपिक कवर किए, CI है ना, बस इतना ध्यान में रखना है एस्केलेटर नंबर डिफरेंट होना चाहिए कार्बन कार्बन का। दूसरा PI, एस्केलेटर नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और रिंग चेन में क्या बताएं कि एक नॉर्मल चेन फॉर्म होगा और दूसरा क्या होगा, रिंग फॉर्म होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, RCI बोलेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में, कल के वीडियो में मिलेंगे हम लोग, कल के क्लास में बात करेंगे मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, एक बार रीडिंग कर लेना। मिलते हैं कल के वीडियो में, अगर आपको रेगुलर आइसोमेरिज्म का टॉपिक चाहिए तो इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल के क्लास में।